सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, अब कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। मैं बनारस शहर की रहने वाली हूँ, मैं बनारस शहर की रहने वाली हूँ। बनारस की मशहूर तवायफ, बनारस की मशहूर तवायफ, मेरा नाम चंपा भाई। मेरा नाम चंपा भाई है। लोग कहते हैं कि तू हरजाई है, लोग कहते हैं कि तू हरजाई है, इसीलिए राजा मेरा नाम चंपा। मेरे चाहने वाले, मेरे दिल पे राज करने वाले मेरे एक आशिक हैं जिनका नाम सुल्तान सिंह है। मेरे धंधे में काफी मदद करते हैं, मदद करने की बात अच्छी अच्छी लड़कियां फंसा कर लाते हैं, मेरे कोठे पर बेच डालते हैं। मैं उन लड़कियों से मुजरा करवाती हूँ, जो लड़की हमें पसंद आ जाती है मैं उन लड़कियों से धंधा भी करवा लेती हूँ। यही मेरा पैसा है, यही मेरा धंधा है। लेकिन आप लोग से क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए सुल्तान सिंह अभी तक कोठे पे आया नहीं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि लड़कियों के चक्कर में दूसरे शहर में चले गए हैं। मैं थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करती हूँ, अगर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं मैं उनके पास खुद ही चली जाऊंगी। वैष्णव में हम इस वक्त आ गए हैं बनारस। ऐ जो कोई कोठा देख रहे हो, ऐ किसी और का कोठा ना है बल्कि मेरे प्रिय चंपा भाई का कोठा है। साथियों इस वक्त हम चलते हैं, देखते हैं हमारा प्रिय चंपा भाई अपने अड्डे पर है या नहीं है। थे कोठे पे माई कसम, जब देखते थे तो चंपा बहुत खुशहाल दिखाई देती थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है आज चंपा बहुत उदास बैठी हुई है। लेकिन साथियों हम ये उदासी का कारण जरूर चंपा से पूछेंगे। मेरी प्यारी, मैं तुमसे नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार सुल्तान सिंह, नमस्कार। और बताओ क्या हाल चाल है? और है चंपा, हाल तो ठीक है लेकिन चाल बहुत गड़बड़ है। लेकिन सुल्तान सिंह इधर आओ, काहे उधर जा रहे हो? अरे बोलिए मेरी जान चंपा, वास्तव में तुम्हारे लिए तो माई कसम ए सुल्तान सिंह का पूरा गर्दन हाजिर है। सुल्तान सिंह, मैं बोलिए मेरी जान, मैं कुछ बातें सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ कि आप लड़कियों को धंधा बंद करने वाले हैं। अरे है चंपा, माई कसम ना कभी धंधा बंद हुआ है, वास्तव में ना है कभी सुल्तान धंधा को बंद करेगा। अरे वो सुल्तान सिंह, हमें विश्वास था कि आप ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपकी सांसें चलेगी तब तक ये चंपा भाई का कोठा चलेगा। लेकिन सुल्तान सिंह तुम तो जानते हो कि कोई नई लड़की आई नहीं है, मेरा धंधा कितना लूट चल रहा है, मैं पैसे के लिए मोहताज हो गई हूँ। लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे क्या कहना चाहती हो मेरी जान, बोलिए तो कुछ। मेरी बात सुनिए और ध्यान से कोई माल फंसा कर लाओ ये प्यारे सुल्तान, तुम भी जोश जवानी लूटो, मैं हूँ धन्यवाद।
माता रे। मैं हूँ धनवान सी कोठे पर न थुनी उतरे, जो दे सबसे अधिक रुपया वही कनी को। इस कोठे पर नाम बदल कर रखूं उसका चकोरी चकोरी। इस कोठे पर नाम बदल कर रखूं उसका चकोरी, अरे पेपर में उठ करवा दे दिए चंपा को। अरे मेरे राजा, मेरे कहने का मतलब ये है कोई ऐसा माल फंसा कर लाओ कि मेरा धंधा और आगे की ओर जाए, मैं धनवान होना चाहती हूँ। ये नहीं, तेरी कहने का मतलब मैं समझ गया। अरे चंपा, हाँ बोलो। वैसे तो मैं हम मानते हैं तैफे दिन हो गए है, तुम्हारे अड्डे पर कोई छोकरी को ना लाया। बिल्कुल नहीं चंपा। वैसे तो मैं एक लौंडिया में मैं जोरदार देख कर आया हूँ। क्या में अगर उस लौंडिया आ जाएगी तो माई कसम इस कोठे का शोभा ही कुछ और नजर आएगा। ये क्या कह रहे सुल्तान सिंह, सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मेरी जान, सच कह रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चम्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे मोहलत चाहता हूँ। और वास्तव में चंपा, इस अड्डे की मैं शोभा ही बदल दूंगा। क्या बात है सुल्तान सिंह, तूने तो मेरे चेहरे पे खुशी ला दिया। लेकिन चंपा, अरे तुम तो जानती हो चंपा, वास्तव में आज कितना दिन के बाद सुल्तान आया है। ए सुल्तान सिंह, मैं कसम है, कई दिन हो गए कोठे पे आए नहीं, जब से मैं आपको देखी हूँ ना, है चंपा है, जब से मैं आपको देखी पता नहीं, तो मैं हम तोहरा मुस्कान के लिए तड़प गया। मेरा भाई कसम, आज अपने प्यारे प्यारे, आज अपने प्यारे प्यारे घूंघरू की आवाज सुना दे। क्या आवाज दो घूंघरू की, अपने मुखर बिन से मुझे कोई प्यारा सा गाना सुना दो ताकि ए सुल्तान वास्तव में खुश हो जाए। सुल्तान सिंह, मैं भी कब से चाह रही हूं कि सुल्तान सिंह मेरे कोठे पे आए, मैं कुछ रंगारंग प्रोग्राम दिखाऊं। लेकिन ये मेरे राजा, नई झूलनी अरे सच में मेरी जान, अरे चंपा, ये क्या करू है मेरी डार्लिंग, मेरे राजा। अरे बोलिए मेरी जान, जब से मैं आपको देखी हूँ ना, बोलिए बोलिए, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है इधर उधर। वैसे तो मैं, मेरा भी जिगर फट रहा है। पहरिया बिताया, इसको में क्या आवाज है, मैं कसम तबीयत भी खुश कर दी। नई झुलनी के छैया बल में दुपहरिया, क्या कमर की लचकाहट है,
बाबूजी, सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पार्वती है, मैं चंदनपुर गांव की रहने वाली हूँ। आज से 20 साल पहले की बात है बाबू, मेरी शादी माधवपुर में हुई शंकर लाल के साथ में। हंसी खुशी जिंदगी बीत रही थी, बीतते बीतते बाबू जब मैं पेट से हो गई, मेरे पति बहुत खुश हुए और कहने लगे कि चलो हम तुमको दर्शन करा लाते हैं, भोले बाबा के दरबार में ले चलते हैं। काशी विश्वनाथ के लिए तैयारी बना लिए बाबू। काशी विश्वनाथ हमें लिवा गए दर्शन कराने के लिए, दर्शन कराए बाबू। और जब मेले के बाहर आए बाबू तो हमारे स्वामी अपने हाथ में अपना नाम और हमारा नाम भी गुदवाए। और वहाँ से जैसे हम लोग चले बाबू, अचानक मेले में भगदड़ हो गई। मेले में भगदड़ हो जाने के खातिर मेरा हाथ मेरे स्वामी के हाथ से छूट गया बाबू, और वहीं से मेरे स्वामी बिसर गए। बहुत ढूंढी बहुत हेरी, लेकिन आज तक कहीं नहीं पता चला। मैं खोजते खोजते थक गई, परेशान हो गई, कहीं नहीं मिले। मेरे वहां से मैं अपने गांव चंदनपुर चली आई। चंदनपुर आई, कुछ दिन बीता, हमारे कोख से एक बच्चे ने, दो बच्चे ने जन्म लिया बाबू, एक बेटा और एक बेटी हुए। बेटे का नाम चंदन और बिटिया का नाम किरण रखा बाबू। ये खुशी बहुत दिनों के बाद आई, तो मैं सोची कि ये खुशी इतने दिनों के बाद आई है, बच्चों को क्यों ना हम भोलेनाथ का दर्शन करा लाऊं। बच्चों के लिवा जाके बाबू फिर काशी विश्वनाथ चली गई दर्शन कराने के लिए। जैसे दर्शन कराने गई बाबू, अचानक मेरे हाथ से मेरे बेटे का हाथ छूट गया और मेरा चंदन बेटा मुझसे बिछड़ गया बाबू। बच्ची मेरी बेटी किरण जो मैं अपने साथ चंदनपुर लेके चली आई, मैं धीरे धीरे अपने पति के याद में, अपने बेटे के खो जाने के गम में मैं बीमार पड़ गई बाबू। धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी बेटी किरण मेरे खातिर दवा खातिर जा रही थी, जैसे रोड क्रॉस किया बाबू उसे मेरा बेटी के एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों आँख की अंधी हो गई बाबू। फिर भी वो मजदूरी कर रही है, काम करने गई है बाबू, उसी के कमाने के जरिए बाबू ये घर चल रहा है। आज बहुत समय हो गया, अभी काम पर से मेरी बेटी आई नहीं है। मैं बैठ के यहाँ इंतजार करती हूँ, हो सकती है आती हो। किस लिए भगा दिए, तुम्हें अपनी मासिक
क्या बताऊंगी। मैं अपने घर आ गई हूँ, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? माँ, आखिर क्या बात है बिटिया, बोलो ना। माँ, तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारी बेटी किस लिए रो रही है? हाँ बिटिया, आखिर बात का बा? मेरी बात सुनो माँ। अब तो गई है छूटनों काम करने जाती थी, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी बात में मालकिन मेरे ऊपर नाराज हो गई और मालिक से कह करके मुझे नौकरी से निकलवा दिया। और मालिक मुझसे बोले कि किरण, मेरा घर छोड़कर चली जा और आज के बाद मेरे घर में काम करने मत आना। उसी घर में मैं कमाती थी, पैसा पाती थी, अपने घर का खर्च चलता था। अब तुम ही बताओ माँ, अब मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। बिटिया, मेरी बात सुनो, चिंता मत करो बिटिया। क्या कहना चाहती हो? क्यों घबराती हो तुम, क्यों बनते नादान? क्यों जान तो पशु पक्षी सबकी रखवाले भगवान। बिटिया, अगर इस धरती पे ऊपर वाले ने भेजा है तो भूखा नहीं रखेगा बिटिया, चल के गांव बस्ती में भीख मांग के एक रोटी का सहारा कर लेंगे। रो मत बिटिया। माँ, अब तो किस्मत में रोने के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। अब तो दुनिया में आए हैं तो चाहे जितनी मुसीबत आए, चाहे जितनी परेशानी आए, अब तो बिताना ही पड़ेगा माँ। लेकिन मैं जल्दी जल्दी में चली आई और मैं अपना सारा कपड़ा मालिक के घर छोड़कर चली आई हूँ। मैं जा रही हूँ वापस और अपने सारे कपड़े लेकर आऊंगी। माँ, अगर कपड़े लेकर नहीं आऊंगी तो मैं नहाऊंगी तो मैं कपड़े क्या पहनूंगी माँ? ठीक बा बेटी। और मेरे पास कपड़ा भी नहीं है, तुम घर में रहना और मैं जा रही हूँ मालिक के यहाँ। अब बहुत जल्दी कपड़े लेकर मैं वापस आऊंगी। जाओ बिटिया, कपड़ा लेकर जल्दी से आ जाओ। ठीक है माँ। Thank you.
समझाया मालिक कि हम लोगों को एक रोटी का सहारा भी नहीं है। मेरे मालिक, मेरी बेटी कपड़ा लाने गई है, मैं चलती हूँ, अपनी बेटी के खाने के लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ। जो विधि कर में मिली था विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। जो विधि कर में मिली था विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। हट पड़े पर गज भर कपड़ा, जो विधि कर में लिखा विधाता, जाने वाला कोई नहीं। हट पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला।